मंडला में चोरी और लूट के मामले में कोतवाली पुलिस ने एक्शन लेते हुए दो साथी बदमाशों को पकड़ा है, जिनके नाम अशफाक खान पिता रज्जाक खान निवासी ईदगाह व शहबाज उर्फ सिब्बू खान पिता वाहिद खान बताए गए हैं। पुलिस ने लूट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बाइक और लूटे हुए मंगलसूत्र को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पहले योगीराज अस्पताल से बाइक चोरी की, इसके बाद राह चलते लोगों के साथ एक के बाद एक कर दो लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज से मिले महत्वपूर्ण सुरागों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का माल बरामद कर लिया है। घटना के संदर्भ में पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने 5 अगस्त को योगीराज अस्पताल के ग्राम खड़देवरा चौराहा निवासी ऑटो चालक की बाइक चोरी कर ली। इसके बाद लगातार उसी बाइक से शहर व अन्य क्षेत्रों में घूमते रहे। सातिर व आदतन आरोपियों ने पहली घटना में सुहाने होम्स देवदरा के पास से एक महिला के गले से मंगलसूत्र छीना और फरार हो गए। महिला के द्वारा इनकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस लूट करने वाले बाइक सवारों की तलाश ही कर रही थी कि इसी बीच ईडन गार्डन कॉलोनी में उसी चोरी की बाइक पर सवार दोनों आरोपियों ने फिर एक राहगीर को निशाना बनाया और गले से मंगलसूत्र छीन कर भाग निकले। कोतवाली थाना क्षेत्र में लगातार घटना होने से पुलिस सरगर्मी से आरोपियों की तलाश में जुट गई। पुलिस पहले लूट घटना में आरोपी की पहचान कर चुकी थी और दूसरी घटना की सूचना पर पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि दोनों ही घटनाओं के आरोपी एक ही हैं। अंततः आरोपी कोतवाली पुलिस की गिरफ्त में आ ही गए। पुलिस ने इन आरोपियों से लूटे गए मंगलसूत्र व बाइक भी बरामद कर ली है। आरोपियों पर चोरी व लूट की अलग अलग धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिरा 24 न्यूज। पिछले दिनों मंडला शहर में एक चाइनीज रेंची की घटना हुई थी, जिसमें पता चला था कि एक बाइक भी चोरी हुई है हॉस्पिटल से। इस प्रकार से आरोपियों के द्वारा दो घटनाएं की गई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज आया था, जिसके हम तलाश में लगे ही थे। इसी दौरान आज सुबह एक घटना और चैन स्नैचिंग की हुई। इस प्रकार से दो घटनाएं चैन स्नैचिंग हुई थी, उसमें भी सीसीटीवी फुटेज आया था। इस फोटो को फिर पहचाना गया और आज हमने दो आरोपियों को पकड़ा गया है और उनसे दोनों चैन स्नैचिंग और एक मोटरसाइकिल जो चोरी की गई थी वो बरामद की।